सबसे पहले बात तो ये कि मैं आपको ये बोलूँगी कि आप इस बिज़नेस स्टडीज़ को ऐसे मत पढ़ो कि मुझे इसको स्टडी करनी है, ओके? यू डोंट थिंक लाइक दैट। आप ऐसे सोचो कि मुझे इन फ्यूचर बिज़नेस करनी है जिसकी नॉलेज मुझे होनी चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आपको पढ़ने में क्या होगा, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं यार स्टडी करनी है, आई कान डू दैट, या फिर ऐसा कुछ भी सोचोगे, तो फिर क्या होगा कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। क्योंकि बिज़नेस स्टडीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आपको अगर इसकी नॉलेज अगर अच्छी हो जाएगी तो आप इन फ्यूचर बिज़नेस करना चाहोगे तो आप बिज़नेस कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो, अच्छी खासी प्रॉफिट भी हो सकती है। तो आप सभी ये सोचो कि मुझे बिज़नेस करना है, दैट्स वाई मुझे ये इसके बारे में सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ओके? सो वी विल स्टार्ट। तो ट्रेड, अंडर ट्रेड इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल के अंदर रिटेल एंड होलसेल, एक्सटर्नल के अंदर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड एंटरपोर्ट, ठीक है? अब हम जानेंगे एड्स टू ट्रेड। तो पहले हम एड्स टू ट्रेड में जो हमारा पहला पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्ट, ठीक है? तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगी कि ट्रांसपोर्ट में देखिए, आप मान लीजिए एक जगह है जिसका नाम है असम, ठीक है? और मैं बिज़नेस कर रही हूँ किस चीज़ का, टी का, ठीक है? ये मेरा असम है, मतलब दार्जिलिंग भी बोल सकते हैं। और वहाँ पे मैं बिज़नेस किस चीज़ का कर रही हूँ, टी का, ठीक है? मैं बिज़नेस कर रही हूँ, तो मैं जो बिज़नेस कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ लखनऊ में, ठीक है? मैं लखनऊ में बिज़नेस कर रही हूँ, ठीक है? अब दार्जिलिंग में टी क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना? और मैं लखनऊ में रह के किसका बिज़नेस कर रही हूँ, टी का बिज़नेस कर रही हूँ। तो अब मुझे लखनऊ से, हम बात किसे कर रहे हैं, हम बात अभी कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की, ठीक है? अब हम मैं लखनऊ में रह के टी का बिज़नेस कर रही हूँ, और ये जो मेरा टी है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है असम से, मतलब कि दार्जिलिंग से, ठीक है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा सामान, मेरा गुड्स आएगा, उसको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो उड़ते उड़ते तो आ नहीं जाएगा मेरे पास, है ना? या तो वो ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, या फिर मुझे बस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि बाय रोड आए, या फिर वाटर के थ्रू आए, या फिर रेल बाय रेल आए, मतलब जैसे भी आए, लेकिन इसको यहाँ पहुँचने में कुछ ना कुछ तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो उसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाने वाली जो भी चीज़ें होती है, जो भी गुड्स होती है, वो आता है ट्रांसपोर्ट के अंदर। एग्जांपल अगर मैं ट्रेन का यूज़ करूँ तो आप लोगों को पता होगा कि ट्रेन में एक अलग ऐसा एक ट्रेन आता है जिसमें सिर्फ सामान लोडेड होते हैं, है ना? तो मैं ट्रेन की हेल्प ले सकती हूँ, मैं बस की हेल्प ले सकती हूँ, मैं शिप्स की हेल्प ले सकती हूँ, जहाज़ वगैरह की। तो उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट। तो हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक सामान को दूसरे सामान तक पहुँचाने में वो हमारी क्या करता है, मदद करता है। तो ये एड्स टू ट्रेड के अंदर इसीलिए आता है क्योंकि ये एक तरफ से क्या कर रहा है, मुझे मेरे बिज़नेस को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है, ओके? आई जस्ट होप आई एम क्लियर कि ये मेरे बिज़नेस को क्या कर रहा है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ये आसाम से, दार्जिलिंग से मुझे लखनऊ क्या कर रहा है, टी ला के दे रहा है। अब ये मेरे पे डिपेंड है कि मेरा जो सामान है वो कैसे आता है, किस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आता है, या तो मैं बस से मंगवाऊँ, या फिर मैं ट्रेन से मंगवाऊँ, या फिर मैं शिप से मंगवाऊँ। तो ये मुझे क्या कर रहा है, ये मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए ये जो है ये एड्स टू ट्रेड में आएगा, ओके? आर यू क्लियर कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक बिज़नेस कर रही हूँ, मेरा टी का बिज़नेस है, और मेरा जो टी का बिज़नेस है वो कहाँ से मैं मंगवाती हूँ, असम से, दार्जिलिंग से मंगवाती हूँ, और कहाँ मंगवाती हूँ, लखनऊ, क्योंकि मैं लखनऊ में रह रही हूँ, मैं वहाँ बिज़नेस कर रही हूँ। तो असम से लखनऊ मंगाने में मुझे जो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो जैसे कि मैं ट्रेन का यूज़ करूँ, बस का यूज़ करूँ, या फिर शिप्स का यूज़ करूँ, या फिर एरोप्लेन, किसी का भी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो मेरा ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा। और ट्रांसपोर्ट जो है वो एड्स टू ट्रेड है। एड्स टू ट्रेड वो क्यों है, क्योंकि वो ट्रेड को क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ओके? तो आप ट्रांसपोर्ट समझ गए।